गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर 11. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ग्रामर टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन वी हैव रीड ऑलरेडी. व्हाट इज इन प्रोनाउन? डू यू नो अबाउट द प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? The words which are used in place of nouns in writing or speaking are called pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns ऐसे words होते हैं जिनको हम noun की जगह पर use में लाते हैं, ठीक है? Replacing the nouns with suitable pronouns. Pronoun is he, she, it is a simple pronouns. We divide it. We have the 7 types of pronouns like personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, possessive pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns. Some you have read already, and today we will discuss the relative pronoun. Relative pronouns क्या होते हैं? Relative pronouns are the words such like a who, whose, whom, which, that, whoever, and whomever, all are the words of the relative pronoun. First of all, pronoun is a word that is used in the place of noun. Okay? क्या होते हैं pronouns? ऐसे words जो हम noun की जगह पर use में लाते हैं उन्हें हम pronoun कहते हैं. अब pronoun में भी हम कौन से pronouns को देखेंगे? Relative pronoun. जैसे कि name से ही show हो रहा है, relate करना. The pronouns that join sentences and refer back to noun going before them are called the relative pronouns. Okay, a relative pronoun is a pronoun that heeds an adjective clause. Okay, an adjective clause follows a noun. Clear? If you have any problem in this case, you can ask. Okay, in our online class. Okay, first. No, before doing this, we have discussed on the topic pronouns. So what pronouns के होते हैं आपके? देखिए, we use pronouns such as who, that, and whose to combine two or more sentences. हम two sentences या more than two sentences को जोड़ने के लिए जो conjunctions use करते हैं. Relative pronouns को हम as a conjunctions भी बोल सकते हैं. जैसे part of a conjunction से who, that, लेकिन words are the who, whose, that. अब who का use हम किसके साथ करते हैं? सबको use अलग अलग के साथ होता है. देखिए आप, who का use, we used who only with the people. हम किसी भी पीपल जो हैं, जो लोग हैं, इट इज़ यूज टू रेफर टू पीपल, यानी कि पर्सनस के लिए हम करते हैं. और हुज का यूज़ हम क्या करते हैं? इट इज़ यूज टू शो व्हाट पीपल एंड एनिमल्स ओन. हम एनिमल्स, पीपल के साथ साथ हम एनिमल के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? हुज का यूज़ करते हैं. एंड डैट इज़ रेफर टू एनिमल्स एंड थिंग्स. डैट का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? एनिमल्स एंड थिंग्स के साथ करेंगे. ओके, जब हम टू सेंटेंसेस को बीच में जोड़ते हैं तो किसके थ्रू जोड़ते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के लिए. जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, मीट मिस रीता, ठीक है? माई क्लास टीचर लास्ट ईयर, हु वॉज, हु वॉज, यानी कि जो कि मेरी क्लास टीचर थी लास्ट ईयर. ओके, नाउ हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द गिवन पोएम. नाउ यू जस्ट टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 56. वी विल डू आर रिलेटिव प्रोनाउंस एक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यू जस्ट फाउंड द प्रोनाउन, कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं. तो अंडरलाइन द प्रोनाउंस, देखिए आई हैव डन फॉर यू. इफ यू नीड, यू इज प्रोनाउन. ओके, यू इज अ प्रोनाउन. इट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन. वी जस्ट लुक एंड लुक अंटिल अ प्रोनाउन इज फाउंड. वर्ड्स लाइक शी, अंडरलाइन द शी एंड ही एंड इट, तीनों आपके क्या है? प्रोनाउंस है. अंडरलाइन करते चलिए. कम इन हैंडी एवरी डे. वी and us and them are the words we say. Underline the we, us and them. She is a girl and he is a boy. She ke andar underline karenge, he ke andar bhi line karenge. It is a thing as my game or toy. Learn the song and sing along with me. Me is again pronoun. Pronouns are very useful, as we can say. We pe underline karenge. I call myself the little word. I, both I
अंडरलाइन करिए. वी एज अ ग्रुप कैन क्लाइंब वेरी हाई. वी आई अंडरलाइन आई कैन पॉइंट टू यू एंड यू एंड यू. देखिए यहाँ पे सभी को एक्सप्लेन भी कर रखा है. कितनी इंटरेस्टिंग थिंग है ये. कितनी इंटरेस्टिंग पोएम बनी हुई है. इफ़ यू नीड अनदर वर्ड. ये यू प्रोनाउंस के ऊपर ही पोएम बनी हुई है. इसमें पोएम बता रखा है कि शी इज़ ए गर्ल. गर्ल के साथ हम शी यूज़ करते हैं. ही के साथ हम बॉय यूज़ करते हैं. ठीक है. इट इज़ ए वेरी गुड एक्टिविटी सच ए गुड वे टू टेल यू जस्ट वॉट वी कैन डू. तो अंडरलाइन द प्रोनाउंस. ओके. नाउ वी यूज़ प्रोनाउंस टू रिप्लेस नाउंस इन ए सेंटेंसेस. ओके. Now read the given sentences. Rewrite them by replacing the noun with the suitable pronouns. देखिए मिट मिस रीता. मिस रीता वॉज माई क्लास टीचर लास्ट ईयर. तो देखिए इसका जो हम टेंस सेंटेंस बनाएंगे तो इसका सेंटेंस क्या है. मीट मिस रीता. अलग सेंटेंस शी वॉज माई क्लास टीचर लास्ट ईयर. तो हम इसको जब ऐड करेंगे इन दो सेंटेंसेस को हम यहाँ पे शी की जगह पर क्या लगा देंगे. हम यहाँ पे लगा देंगे हु. बिकॉज हु का यूज़ हम किसके साथ करते हैं. हु इज़ यूज टू पीपल. हु किसके लिए यूज़ होता है. पीपल के लिए यूज़ होता है और जो पर्सनस हैं उनके लिए यूज़ होता है. तो हम यहाँ पे शी को रिमूव कर देंगे और शी को रिमूव करके यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे हु का. ओके. तो हमने क्या करा है. टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया है विद द रिलेटिव प्रोनाउन. क्लियर. एनी डाउट. नाउ टर्न द पेज. अनदर सेंटेंस इज दिस इज शीतल. शीतल्स प्रोजेक्ट वॉज द बेस्ट. हेयर वी हैव ऑल्सो टू सेंटेंसेस. हम टू सेंटेंसेस को एक करेंगे कंबाइन करेंगे. वी कंबाइन द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन. दैट्स व्हाई वी ऑल्सो से देम कंजक्शन. बिकॉज कंजक्शन का यूज़ भी क्या होता है. टू सेंटेंसेस को कंबाइन करना. द सेंटेंसेस कैन बी कंबाइन इन रिटर्न एज अ सिंगल सेंटेंस इज शोन. ओके. सो द टू सेंटेंसेज हैं हमारे. दिस इज शीतल. शीतल्स प्रोजेक्ट वॉज द बेस्ट. हम इसको टू से एक करेंगे. दिस इज शीतल. ठीक है. दिस इज देखिए नेक्स्ट सेंटेंस. दिस इज शीतल एंड शीतल्स प्रोजेक्ट वॉज द बेस्ट. हेयर वी यूज द प्रोनाउंस एट द प्लेस ऑफ द नाउन. ओके. हेयर वी हैव द टू सेंटेंसेस. दिस इज शीतल. फर्स्ट हम एज इट इज लिखेंगे. दिस इज शीतल एंड देन है आपका शीतल्स प्रोजेक्ट. अब शीतल्स प्रोजेक्ट की जगह हमें क्या करना है. यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करना है. सो शीतल इज ए गर्ल. ओके. शीतल इज ए गर्ल. गर्ल के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी. अब शी का यहाँ पे हमें कौन सा प्रो लेना है. पॉजिटिव प्रोनाउन लेना है. तो शी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा. हर. तो हम यहाँ पे कर देंगे हर प्रोजेक्ट. शीतल्स की जगह पे हम क्या कर देंगे. शीतल्स का क्या हो जाएगा. हर. हर प्रोजेक्ट वॉज द बेस्ट. ओके. दिस नाउ लुक एट द सेकेंड. दिस पैन इज माइन. द पैन लीक्स. देखिए दिस पैन इज माइन एज इट इज़ रहेगा एंड द पैन. अब पैन क्या है. नॉन लिविंग थिंग्स है और थिंग्स के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं. इट. तो हम इसका लिख देंगे इट लीक्स. ओके. नाउ लुक एट द नेक्स्ट. नाउ यू हैव अटेंशन प्लीज. वी हैव ऑन द पेज नंबर 57. सो जस्ट टेकन टर्न ऑन योर पेज नंबर 57. ओके. नाउ देखिए द नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव. अब हमें यूज़ करना है रिलेटिव प्रोनाउन का. यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ अ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. अभी हमने इस एक्टिविटी में क्या करा है. हमने प्रोनाउंस को ही प्लेस किया है. ठीक है. नाउन्स को रिप्लेस करके हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है. अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन. और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हमारे. वी यूज प्रोनाउन सच इज हु डैट एंड हूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस. ओके. क्लियर दैट. एंड द रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट हीट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज. वो अपने साथ एक एडजेक्टिव क्लॉज को हीट करता है. एंड एडजेक्टिव क्लॉज फॉलोज अ नाउन. नाउ यू कैन सी इन द एग्जाम्पल. दिस इज शीतल. देखिए आप देखिए शीतल देख लिया आपने. दिस इज शीतल. प्रोजेक्ट वॉज द बेस्ट. तो हम इसमें हमने क्या इसे ऐड किया है. ये दो सेंटेंसेस थे डिफरेंट डिफरेंट. हमने बीच में प्रोजेक्ट के लिए हमने लगा दिया है. प्रोजेक्ट और शीतल के लिए उसका प्रोजेक्ट है. तो हुज प्रोजेक्ट वॉज द बेस्ट.
दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है हमने बाय द हेल्प ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हु इज यूज टू रेफर टू पीपल एंड हु इज यूज टू शो व्हाट पीपल एंड एनिमल ऑन एंड दैट इज यूज टू रेफर टू एनिमल एंड थिंग्स. ओके नाउ टर्न द पेज. ठीक है पेज नंबर 58. ओके नाउ दिस इज द वर्क इन पेयर्स कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस एंड एग्जाम्पल इज गिवन. देखिए एग्जाम्पल्स ये रखे हैं और आप सेंटेंसेस को कंबाइन करना है बाय द हेल्प ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन. अंकिता इज माय फ्रेंड. अंकिता इज वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है तो दोनों सेंटेंसेस को हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे. अंकिता इज माय फ्रेंड हु इज वेरी इंटेलिजेंट. जो कि क्या है बहुत ही इंटेलिजेंट है. दोनों ही सेंटेंस हमने हु से जोड़ दिए हैं क्योंकि अंकिता इज ए गर्ल अंकिता इज ए पर्सन. ओके टू राइट अ सेंटेंस इन द गिवन स्पेस दिस इज अ बुक एंड दिस बुक हैज़ ब्यूटिफुल इमेजेस. इन दोनों सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा दिस इज अ बुक. अब जो द बुक है द बुक की जगह पे हम द बुक को हटा देंगे उसकी जगह हम यूज़ करेंगे क्योंकि थिंग है थिंग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं डैट. तो द बुक दिस इज अ बुक एंड डैट हैज़ ब्यूटिफुल इमेजेस. ओके अंडरस्टूड डैट. दिस बुक को हम हटा देंगे डिडक्ट कर देंगे इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे डैट डैट रिलेटिव प्रोनाउन. ओके नाउ टर्न द पेज. पेज नंबर 59. वी हैव द पेज नंबर 59. कंबाइन सेंटेंसेस. ओके नाउ सेकंड देखिए सुमन इज माय नेबर फर्स्ट सेंटेंसेस एंड सुमन्स ब्रदर राइट्स स्टोरी. और सुमन का ब्रदर जो है वो क्या करता है स्टोरीज लिखता है. तो हम इसका सेंटेंस को टू सेंटेंस को कंबाइन कैसे करेंगे. देखिए सुमन हुज ब्रदर राइट स्टोरीज इज माय नेबर. हुज यानी जिसका भाई भाई स्टोरीज लिखता है वो मेरी नेबर है. क्लियर अंडरस्टूड. एनी डाउट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप. थर्ड देखिए द पार्सल कैम फॉर माय मदर. द पार्सल कैम फॉर माय मदर एंड बी इज माय मदर इज नॉट एट होम. बोथ आर द डिफरेंट सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस आर देयर. इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे. देखिए द पार्सल कैम फॉर माय मदर जो पार्सल मेरी मम्मी के लिए आया है. देखिए द पार्सल कैम फॉर माय मदर पार्सल जो है मेरी मम्मा के लिए आया एंड हु इज़ नॉट एट होम. मेरी मम्मा यहाँ पे मम्मा के लिए आया है हूँ कि मम्मा क्या है वो घर पर नहीं है. हु इज़ नॉट एट होम. क्लियर. एनी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन आर ऑनलाइन क्लासेस. सिंपल है इसके थ्रू हम टू सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं. ये कंजक्शंस का भी काम करता है. देखिए ये हमारा जो है एडजेक्टिव क्लोज हो जाता है स्टार्टिंग का जो है ये सुमन सुमन इज एडजेक्टिव क्लोज जो हमेशा हम नाउन को फॉलो करेगा. ठीक है तो सुमन हुज ब्रदर राइट स्टोरीज इज माय नेबर. क्लियर. नाउ टर्न द पेज. यू विल सी द नेक्स्ट एक्टिविटी पेज नंबर 60. यू हैव टू टेकन आउट द पेज नंबर 60. Here it is your homework. Write the relative pronouns and the sentences as an example for each. आपको first of all यहाँ पर जो box दे रखा है ये box बना हुआ है आपका relative pronouns लिखा हुआ है यहाँ पर 1, 2, 3. आपको यहाँ पर relative pronouns का use करना है. First you can use the who, then whose, फिर then that. Who, whose और that. Mainly आपके यहाँ पर किसके थ्री का use बताया गया है who, whose and that. Okay, in your syllabus we have three रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज एंड डैट. तो आपको इन तीनों से सेंटेंसेस बनाने ईच सेंटेंसेस यू हैव टू राइट डाउन हियर. ठीक है आपको सिर्फ सेंटेंसेस ज्वाइन करके लिखना है अलग अलग सेंटेंस नहीं लिखना है. जैसे कि आप फर्स्ट आप ही लिखें कि अंकिता इज माय फ्रेंड फिर सेकंड लिखें अंकिता इज वेरी इंटेलिजेंट देन यू हैव टू राइट अंकिता इज माय फ्रेंड हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट. नो यू ओनली राइट वन सेंटेंस. ओके आपको ऑलरेडी कंबाइन करके यहाँ पे सेंटेंसेस लिखना है. इट इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू कंप्लीट इट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क. ओके टेक केयर. सो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट हीज एन एडजेक्टिव क्लोज. ओके एंड वी हैव यू हैव द थ्री
रिलेटिव प्रोनाउंस द वी यूज प्रोनाउंस सच इज हु डैट एंड हूज टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेज ओके दे आर कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर द सेंटेंसेज कैन बी कंबाइंड एंड रिटन एज सिंगल सेंटेंस एज शोन ओके वी यूज प्रोनाउंस टू रिप्लेस द नाउन इन सेंटेंसेज क्लियर Hope you all are understood this. If you have any problem, you will ask me. Till then, take care and try and do exercises. Okay, and now take care. Have